हेलो व्यूअर्स, दिस इज रितु बड़वान एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल दैट नेम इज लेट्स स्टार्ट। आप जानते हैं कि मेरे ये जो चैनल है ये यूपी टीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन कराता है और जो है आज हम सिलेजनेला के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने सिलेजनेला शुरू किया था जिसमें सिस्टमैटिक पोजिशन और उसकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी थी, आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो सिलेजनेला की प्लांट बॉडी होती है वो तीन चीज़ों में डिवाइड होती है, रूट, स्टेम एंड लीफ, और एक स्ट्रक्चर जिसमें पाया जाता है राइजोफोर, जिसका क्लियर नहीं है कि वो रूट का पार्ट है कि स्टेम का पार्ट है, बल्कि उसको एक थर्ड इंडिपेंडेंट ऑर्गन के रूप में बताया गया है। तो हम चलेंगे इसको डिस्कस करेंगे कि प्लांट बॉडी ऑफ सिलेजनेला इज डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। हम लिखेंगे प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड into root, stem and leaves. और इसकी जो टेडोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है। ब्रायोफाइट में मैंने बताया था कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट है और स्पोरोफाइट जो है गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, बट टेडोफाइट्स में ऐसा नहीं होता। स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट बोथ आर इंडिपेंडेंट, बट इसकी मेन जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है। तो हम लिखेंगे द प्लांट बॉडी और कोम, स्टोबुलस और कोम। ये लीव्स हमारा है राइजोफोर एंड रूट, दिस इज कॉल्ड राइजो। इसको कुछ साइंटिस्ट ने बताया है कि ये रूट है, कुछ ने बताया कि ये शूट है, शूट का पार्ट है, कुछ ने बताया रूट का पार्ट है, मतलब शूट में मतलब स्टेम है, और कुछ साइंटिस्ट ने इसको बोला है कि ये इंडिपेंडेंट ऑर्गन है। तो ये राइजोफोर और ये क्या है रूट। तो रूट्स, राइजोफोर, स्टेम, लीव्स और स्टोबुलस और कोन, इसको हम बोलते हैं प्लांट बॉडी ऑफ सिलेजनेला।
plant body of phylogeny. तो आप इसको ड्रॉ कर लीजिए. इनसे मिलिए, ये हमारे राम है, हमारी हेड के बेटे का नाम राम. क्या लिख रहा राम? 1, 2, 3, 4. तो आप इसको ड्रॉ करिए, प्लांट बॉडी ऑफ सिलेजन. नेक्स्ट हम चलेंगे स्टेम का, स्टेम की पोर्शन का, यस उसको ड्रॉ करेंगे. ये बेसिकली सिलेजेनिया ग्राउशियाना के स्टेम का पोर्शन है, उसका टीएस है. ये क्या है? ईपी डर्मिस. अभी ड्रॉप इसको लेवल नहीं करते. इसके बाद इसमें कॉर्टेक्स, फिर इसमें एक संरचना होती है जिसको हम ट्रैबेकुली बोलते हैं. ट्रैबेकुली ये सिलेजेनिया क्राउशियाना में जो स्टील होती है जाइलम की, वो कैसी होती है? डाइस्टील होती है. जाइलम दैट इज डाइस्टील. ये इंपॉर्टेंट है, हम इसको अभी ड्रॉ करेंगे. ये वॉर्टेक्स का भाग है. ट्रैबुली जो है ये एंडोडर्मिस है, एक्सटेंडेड एंडोडर्मिस. और ये कंडीशन क्या है? डाइस्टेलिक कंडीशन. तो अब हम इसको लेवल करेंगे. ये हमारा है एपिडर्मिस. इट इज कॉर्टेक्स. ये क्या है? ट्रैबुली. It is extended endodermis. It is extended endodermis. ये हमारा पेरिसाइकल. This is फ्लोएम. ये दोनों क्या हमारे? टू साइलम. टू स्टील. दैट वाई दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डाई स्टीलिक कंडीशन. डाई स्टीलिक कंडीशन. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कि सिलेजेनिया की कौन सी स्पीशीज है जिसमें डाइस्टेलिक कंडीशन पाई जाती है. तो ये किसका है?
सैंपल क्वेश्चन फ्लैजेलुला ग्राउशियाना है, तो हम इसको लिखेंगे, इसको एक्सटेंडेड या इलोंगेटेड एंडोडर्मिस भी कह सकते हैं ट्रैबिकुली को, तो हम इसमें लिखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है ट्रैबिकुली, ये भी पूछा जाता है ट्रैबिकुली इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा क्या है, अ पोर्शन ऑफ पीएस ऑफ स्टेम, पोर्शन ऑफ पीएस ऑफ स्टेम चॉकलेट कितना, पीएस ऑफ स्टेम ऑफ सिलेजिनेला ग्रोशियाना, ऑफ सिलेजिनेला ग्राउशियाना शोइंग डाई स्टीलिंग कंडीशन, शोइंग डाई स्टीलिंग कंडीशन। पोर्शन ऑफ सिलेजिनेला ऑफ स्टेम ऑफ सिलेजिनेला ग्राउशियाना showing diastolic condition of flagellar ruptures। तो ये डायग्राम याद कर लीजिएगा, इसमें diastolic की जो कंडीशन है ये इंपॉर्टेंट वर्ड ट्रैबिकुली, ट्रैबिकुली इज द इलोंगेटेड एंडोडर्मिस और एक्सटेंडेड एंडोडर्मिस। तो इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जो मोस्टली जो ट्रैबिकुली होती है वो यूनिसेलुलर होती है, बट कुछ कंडीशन में मल्टी सेलुलर भी होती है। तो अगर मल्टी सेलुलर भी है तो कुछ या तो मल्टी एक्सटेंडेड पार्ट वो कॉर्टेक्स की होती है या फिर पेरिसाइकल्स की सेल्स में जुड़ी हुई होती है। तो नेक्स्ट हम वही लिखेंगे नोट में करके, या मैं ऊपर लिखवा दे रही हूँ यहाँ पे नोट, मोस्टली ट्रैबिकुली is unicellular, but if multicellular is either coming from extra cells, either coming from cortex or pericycle, तो ये आप नोट में करके इसको भी लिख लीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच।